नमस्कार, मी संपदा कारा न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आपले स्वागत। कोण कुठे उभे राहणार, कोणती जागा कोणाला मिळणार याचा निर्णय केंद्रीय पार्लमेंटरी कमिटी, राज्यातील महायुतीचे 3 नेते आणि इतर घटक पक्षातील महत्वाचे नेते हा निर्णय घेतील। आमच्यात कुठेही मतभेद नाहीत किंवा मनभेदही नाहीत। उमेदवार कोणी जरी असला तरी प्रत्येक जागेची जबाबदारी ही भाजपचीच असेल। लोकसभा प्रवास अंतर्गत 52 हे ठाण्यात आले होते। राज्यात महाविजय 2024 ची तयारी सुरू आहे, त्यानुसार राज्यातील 45 खासदार 51% मते घेऊन मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे। 51% मते ही भाजपची असतील, मग महायुतीची उमेदवार कोणी असेल त्याला भाजप निवडून आणेल असेही ठामपणे त्यांनी सांगितले। तसेच विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीचे 225 आमदार असतील असा दावाही त्यांनी केलेला आहे। महाविजय 2024 की तयारी हमने सुरू की है। हमने हर लोकसभा में 600 सुपर वॉरियर हमारे नेताओं को हमने 3-3 बूथ दिए हैं। हर नेता हमारा 600 घर जाएंगे। एक लोकसभा में 3.5 लाख घर जाने का हमारा संकल्प है। घर चलो अभियान हम कर रहे हैं, संपर्क से समर्थन हम अभियान कर रहे हैं। हम संपर्क करके मोदी जी के 9 साल के काम का जो किताब है हर घर दे रहे हैं और जनता को समर्थन मांग रहे हैं। मुझे इस बात का अभिमान है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ समर्थन मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि महायुति महाराष्ट्र में जो 11 पार्टी की है ये 45 सीटें जीतेगी और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार हमारे 45 सांसद हाथ खड़ा करके वहाँ खड़े रहेंगे। इतनी ताकत हम महाराष्ट्र में तैयार कर रहे हैं। हर घर जा रहे, घर चलो कर रहे, समर्थन मांग रहे, समर्थन मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारी तीनों पार्टियाँ और 11 पार्टी मिलकर जो जो सीट जिनको मिलेगी वो सीट पे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से 51% की ताकत निर्माण करेगी और ये ताकत हमारे सांसद के पीछे खड़ी करेगी।